हाय गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ बैंगू से शॉपिंग करने में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आप उधर से आइटम मंगवा सकें और जितने भी कम आइटम जो होता है कितने भी कम प्राइस में आ सके। मैंने एक वीडियो पहले ही बनाई थी मेरे शॉपिंग एक्सपीरियंस की, शायद सेप्टेम्बर या अक्टूबर में, पर वो इंग्लिश में बनाई थी तो काफ़ी यूज़र्स के कमेंट आए कि आपने हिंदी में क्यों नहीं बनाई। तो मेरे को ऐसा आइडिया नहीं था कि काफ़ी लोग इंटरेस्टेड रहेंगे उसमें, तो अब ये वीडियो में वो चीज़ें भी एक्सपीरियंस भी कवर करूँगा। और अब ये दिसंबर की लेटेस्ट वीडियो है और मैं अभी भी शॉपिंग कर रहा हूँ बैंगलोर से और आइटम्स आ रहे हैं, तो होप करता हूँ कि आपको शायद कुछ हेल्प मिल जाए इससे। तो ये इसमें हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली जब आप शॉपिंग करते हो तो बैंगलोर के में आपको क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो आपको एक पैन कार्ड पैन नंबर चाहिए और एक UPI हैंडल हो तो बेस्ट है, नहीं तो डेबिट कार्ड या आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हो। मैं प्रेफर करता हूँ UPI के थ्रू पेमेंट करो। और ध्यान रखना जब आप पैन नंबर जो दे रहे हो वो उसी अकाउंट से लिंक हो जिसका UPI है, वरना अभी तक तो कोई प्रॉब्लम मेरे को पता नहीं चली है, पर मेरे ख्याल से शायद ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है एंड में, क्योंकि सब कुछ लिंक है और क्योंकि डेबिट कार्ड भी आप जब स्वैप करोगे वो भी किसी बैंक से लिंक होता है, तो हो सकता है शायद लिंकिंग हो, बट मेरे को अभी कुछ आइडिया नहीं है कि ये पैन नंबर क्यों मांग रहे हैं। बस इनकी मैंडेटरी फील्ड है, शायद कस्टम्स की वजह से करते हैं। तो ये दो चीज़ें आपको ज़रूरी चाहिए। और बेनिफिट क्या है UPI से, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक तो सिक्योर है। अगर जैसे आप डेबिट कार्ड की भी बात करें या इंटरनेट बैंकिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कहीं वो इन्फॉर्मेशन सेव ना कर दे। वैसे तो इंटरनेट बैंकिंग रीडायरेक्ट मारती है किसी और वेब पेज पे, पर एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर आपको पता नहीं होता कि क्या चीज़ें इंटरसेप्ट कर रही है क्या नहीं कर रही है। सिमिलरली डेबिट कार्ड वो सेव कर लेते हैं, और अगर आपकी इंटरनेशनल शॉपिंग एक्टिवेटेड है तो कहीं ना कहीं वो अगर वो लीक हो जाए आपका डेबिट कार्ड नंबर तो उससे पैसे डिडक्ट हो सकते हैं। पर UPI के केस में क्या होता है कि जब आप पेमेंट वो जैसे बैंगलोर वाले पेमेंट जब आपसे रिक्वेस्ट करते हैं तो होता क्या है कि नोटिफिकेशन आती है, नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करते हो तो उस एप्लीकेशन से ही आप पेमेंट करते हो, तो इस वजह से ये बहुत सिक्योर लगता है मेरे को और मैं काफ़ी कंफर्टेबल भी रहता हूँ। तो उससे क्या होता है, जैसे अमेज़न की आपने UPI अनेबल करी हो तो अमेज़न की ऐप खुलेगी और उसके थ्रू आप पेमेंट करोगे तो एक नोटिफिकेशन इधर से उधर जाती है, और इसके बजाय कि आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन उधर रहेगी और फिर वो प्रोसेस होती है। तो इस वजह से एक तो ये रीज़न हो गया, और दूसरा रीज़न ये है कि रिफ़ंड बहुत बहुत फास्ट है। मतलब मेरा कई बार रिफ़ंड करीब करीब 4 घंटे के अंदर भी आया है, और वो भी क्लेम करते हैं शायद विद इन 4 आवर्स दे कैन प्रोवाइड यू रिफ़ंड, अगर वो प्रोसेस हो चुका है और एक्सेप्टेबल मतलब एक्सेप्ट कर लिया है कस्टमर केयर ने। अब आप पूछोगे कि रिफ़ंड किस केसेस में आते हैं। रिफ़ंड मोस्टली जो मेरे आए हैं वो इसी वजह से आए हैं कि क्या होता है कि मैं ऑर्डर कर देता हूँ और वो आइटम आउट ऑफ स्टॉक चला जाता है, और ये यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट लिखते हैं कि एक्सपेक्टेड टू शिप बिटवीन लाइक 10 डेज और 20 डेज। तो उस केस में क्या होता है कि अभी तक मेरे साथ ऐसा केस नहीं हुआ है कि जिसमें इन्होंने लिखा हो कि एक्सपेक्टेड टू शिप दिस टू दिस डेट है और वो शिप हुआ है, वो कभी भी शिप नहीं हुआ है। तो मोस्टली मेरा स्टक हो जाता है, और बैंगलोर की पॉलिसी ये कहती है कि अगर आप शिप करने से पहले आप कैंसिल कर दोगे तो आपको रिफ़ंड मिल जाएगा, और जैसे आपने शिप कर दिया है तो उसके बाद कस्टमर केयर वाले कुछ भी नहीं सुनते हैं। बाकी आप थोड़ा झगड़ वगड़ तो शायद कुछ सुन ले, पर अगर आइटम शिप हो गया है तो उसके बाद कोई आपका वो नहीं है रोकने का ऑर्डर। तो ऐसे केसेस काफ़ी हुए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आगे कि आप इसको किस तरह से अवॉइड कर सकते हो। तो ऐसे केसेस हुए हैं तो उसके लिए मेरे को हर बार रिफ़ंड के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ा, और शुरू में मैंने डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करता था, कई बार मैंने नेट बैंकिंग से भी करी है, तो प्रोसेस ऑलमोस्ट 3 डेज लग जाते थे आने में। आए हर बार हैं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कभी नहीं आए, आए हैं पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा मेरे को। और UPI से मैंने जब कर देखा, पहले मैं थोड़ा सा कंसर्न था कि पता नहीं UPI कैसे लेगा, कहीं पेमेंट डिक्लाइन ना हो जाए, पर मेरे ख्याल से अभी तक मैं 16 ऑर्डर कर चुका हूँ UPI के थ्रू और सब सक्सेसफुल हुए हैं, चाहे वो 200 रुपये की एंट्री 200 रुपये का तो नहीं 500 रुपीज़ का ऑर्डर हो या वो 3000 या 4000 रुपीज़ का हो, तो 100% सक्सेस है UPI में। तो मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप UPI ही यूज़ करो, बेशक से बैंगलोर के लिए एक अलग UPI बना लो, एक ऐसा अकाउंट जिसमें बहुत कम पैसे रहते हो, सिर्फ शॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, तो रिफ़ंड प्रोसेस काफ़ी अच्छा हो गया है। अब थर्ड थिंग, आपको क्या चीज़ ध्यान रखने की, क्या सामान आप उससे मंगवाएं,
कि वो सही है और क्या चीज़ों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे पास काफ़ी कमेंट आए हैं फेसबुक पे भी, मैं चैटिंग में अवेलेबल रहता हूँ, आपको हैंडल मिल जाएगा मेरा माइजिंग ऑनलाइन करके फेसबुक पे है। तो उसमें काफ़ी लोगों के हैं कि क्या आप क्लोथ्स मंगवा सकते हैं, कुछ लोगों के हैं कि वो ग्राफिक कार्ड्स मंगवाना चाहते हैं, कंप्यूटर रिलेटेड आइटम मंगवाना चाहते हैं। तो मैं सबको यही सजेस्ट करूँगा, अगर 2000 का भी डिफरेंस है तो आप कंप्यूटर आइटम वहाँ से बिल्कुल भी मत मंगवाना, क्योंकि होता क्या है कि वहाँ से जो कंप्यूटर आइटम्स आते हैं, जैसे मान लो आपने प्रोसेसर मंगवाया या ग्राफिक कार्ड मंगवाया, उसको चैलेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनके बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया इन चीज़ों में कि ग्राफिक कार्ड्स क्यों नहीं वर्क कर रहा। हो सकता है आपका मदरबोर्ड सपोर्ट ना करे, वैसे तो एक यूनिफाइड है X16X आई थिंक PCI एक्सप्रेस वो सपोर्ट करता है, पर मतलब मैं वर्स्ट केस में कह रहा हूँ क्योंकि 5-6 हज़ार का तो कम से कम आएगा। तो अगर वो नहीं चलता है किसी भी केस में, तो वो रिफंड के लिए वो ऐसा कुछ मांग लेंगे आपसे कि आप ये प्रॉपर्टी दिखाओ या ऐसा कुछ टेस्ट करके दिखाओ कि आपके पास टूल्स ही नहीं होंगे उसके। तो इसलिए मैं हमेशा सबको सजेस्ट किया कि कंप्यूटर आइटम वहाँ से बिल्कुल भी मत मंगवाना, और बाकी रिस्क लेना वही मतलब बहुत ज़्यादा ही आपको चूल है कि हाँ वही मंगवाना है तो आप रिस्क ले सकते हो। बाकी जेन्युइन आइटम्स आते हैं मोस्टली, पर वो ये क्लोन काफ़ी चलते हैं इवन बैंगूट की साइट पे भी, क्योंकि जैसे आसूस हो गया या इंटेल रिलेटेड ग्राफिक्स हैं वो एक्चुअल ब्रांडेड स्टफ़ आपको वहाँ पे नहीं दिखेगा, जैसे गीगाबाइट के शायद मिल जाएं, पर क्लोनिंग काफ़ी है तो आप उस पर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, तो परफॉर्मेंस के लिए भी आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो कंप्यूटर रिलेटेड आइटम्स काफ़ी रिस्की हैं वहाँ से मंगवाने। क्लोथ्स रिस्की हैं क्योंकि उनका साइज़ थोड़ा डिफरेंट रहता है, और साइज़ के बेस पर आपको रिफंड नहीं मिलेगा क्योंकि वो पहले से मेंशन कर कर रखते हैं कि ये साइज़ है, तो आप मेजर कर कर भी थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। बाकी रिस्क ले सकते हो इस तरह से कि आप कोई एक पर्टिकुलर सेलर पकड़ लो, उससे टी शर्ट्स मंगवा लो एक आधी सस्ती वाली, उससे आपको साइज़ का आइडिया लग जाएगा, तो उसके बाद आप ऑर्डर कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा रिस्की स्टफ़ है क्योंकि साइज़ के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। अगर कोई कटा हुआ कपड़ा कुछ है तो शायद आपको रिफंड बन जाए, मैंने कभी ऑर्डर नहीं करा है क्लोथिंग, पर ये थोड़ा सा एक रिस्क रहता है क्लोथ्स में, क्योंकि चाइनीज़ बेस्ड साइट है और उस कंट्री में थोड़े मतलब हमारे टाइप के बिल्ड वाले लोग नहीं हैं, तो उस वजह से वो थोड़ा साइज़ में डिफ़र करता है, क्योंकि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा आपको। और बाकी शूज़ में भी सेम रिस्क है, अगर आप वहाँ से मंगवाओगे तो साइज़ में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, अगर आपको आइडिया है कि सेम ब्रांड का आपने कभी मंगवाया हो तो आप मंगवा सकते हो। चीज़ें जो बहुत सही हैं बैंगूट से मंगवानी, मोबाइल एसेसरीज़, ये ब्लूटूथ रिलेटेड है, सेल्फी स्टिक्स है, और एलेक्सा रिलेटेड डिवाइसेस सनन ऑफ की मैंने मोस्टली मेरे वहीं से वही परचेज हुई है। LEDs लाइट, जो LED स्ट्रिप है वो शायद आपको पीछे भी दिख रही हो, जो एक स्ट्रिप लगी हुई है, उस तरह का डिवाइसेस, और बाकी वही मोबाइल से रिलेटेड स्टफ़ ही मैंने ज़्यादा मंगवाया। आई थिंक सेल्फी स्टिक मैंने मंगवाई थी, माइक आप सोच सकते हो मंगवाने की जिसमें कम से कम है, माइक्रो कंट्रोलर्स अगर आप सोच रहे हो, आर्डिनो बेस्ड स्टफ सोच रहे हो, तो एक बार ही इंडियन साइट्स पे देख लेना, क्योंकि वहाँ पे रेट काफ़ी हाई हैं। मेरे को यहाँ पे मेरे ख्याल से 475 का ESP32 बोर्ड मिल गया था इंडिया में, जबकि वहाँ पे अगर मैं मंगवाना चाह रहा था तो 375 कुछ प्रिंट था, मतलब वो जो भी उनका प्रोडक्ट कैटलॉग में होता है, और प्लस 250 रुपये आपकी शिपिंग के लगते लगते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर बेस काफ़ी है, सेंसर है, पर इतना मैं कहूँगा कि इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है बैंगलोर पे एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प और robu.in पे अगर आप जाओ, तो मैंने वहाँ से भी शॉपिंग की वीडियो बनाई हुई है, तो मेरे को वहाँ पे एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी LCD रिलेटेड स्टफ़ आप वहाँ से मंगवा सकते हो बैंगलोर से, क्योंकि अगर आपका आउटपुट नहीं आता है HDMI पे तो आपको रिफंड मिल सकता है, पूरी चांसेस हैं, पर एज़ कम्पेयर टू जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प ही था शायद, हाँ, तो उधर से मैंने LCD मंगवाया था, उन्होंने बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया, बाकी बाद में मेरे को किसी तरह से रिफंड मिल गया था वीडियो डालने की वजह से। पर यह है कि काफ़ी हैसल है LCD रिलेटेड आइटम्स पर वहाँ पे आपको इतनी दिक्कत नहीं आने वाली बैंगलोर पे। और बाकी आइटम ब्लूटूथ स्पीकर वगैरह आप मंगवा सकते हो, अगेन वो एसेसरीज है, बाकी मेटल से रिलेटेड प्लास्टिक से रिलेटेड आपको महंगा ही मिलेगा आइटम। और ऐसा आइटम मैं कहूँगा कि जैसे MI के बैंड हो गए और Xiaomi के प्रोडक्ट्स हो गए, जो इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है बिल्कुल भी, वो आप उधर से मंगवा सकते हो। बस कमेंट्स में ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि वर्ल्ड वाइड लोग मंगवाते हैं, तो उसमें कमेंट में लिखा होगा कि इंग्लिश वर्जन अवेलेबल है नहीं, तो ऐसा ना हो कि आप ऐसा आइटम मंगवा लो जो अवेलेबल नहीं है और उसका इंग्लिश वर्जन भी अवेलेबल नहीं है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। मैंने भी अभी एक सेंसर मंगवाया है नेक के लिए, उसका शायद रिव्यू करूँगा मैं, तो उसकी इंग्लिश ट्रांसलेटेड एप्लीकेशन अवेलेबल है, तो इसलिए मैंने मंगवा लिया है, तो अभी वो प्रोडक्ट
ऑल ओवर वर्ल्ड अवेलेबल नहीं है तो बैंगगुड पे है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखना, बाकी एक बार मेरे से डिस्कस कर लेना, क्योंकि मेरा तो ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे मेरे बैंगगुड की वेब एप्लीकेशन पे जाते जाते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ खरीदने मेरा मन करता रहता है। बाकी मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं, आइटम हमें क्या क्या लेने चाहिए। तीसरी चीज़ या मेरे ख्याल से चौथी चीज़ हो गई, आपको क्या चीज़ करनी है जिससे आप अवॉइड कर सको कि आपका आइटम मतलब स्टक ना हो जाए कहीं। एक तो यह है कि आप आइटम क्लब मत करो, 200 रुपये की शिपिंग है या 280 रुपये की शिपिंग है उसको दे दो अगर आपको आइटम अर्जेंटली चाहिए। तो जैसे मान लो आपको MI बैंड मंगवाना है, उस पर 200 रुपये और महंगे पड़ रहे हैं, आप कंपेयर कर लो इधर की साइड से, अगर भाई अगर 200-300 रुपये का फ़र्क है, मतलब यहाँ पे महंगा है, तो आप वहीं से ऑर्डर कर दो 200 रुपये देकर ही। होता क्या है कि जैसे मेरे साथ हुआ, मैं क्या करता था कि 200 रुपये की शिपिंग देखकर मैं सिमिलर आइटम मंगवाता था जो सेम सेलर मंगवाता था। तो जब सेम सेलर करता है तो आपकी शिपिंग कम रहती है, तो जैसे 250 रुपये में मेरे को 5 आइटम कई बार मिल रहे होते थे तो मैं वो मंगवा लेता था। पर अब क्या हो रहा है कि ये कोविड जैसे दोबारा फैल रहा है तो उधर से आइटम आउट ऑफ स्टॉक जा रहे हैं मोस्टली। तो आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से क्या हो रहा है कि जैसे 5 आइटम है और जिसमें से 2 आउट ऑफ स्टॉक हैं, तो ये लोग ये नहीं करते कि 3 आइटम लेकर रख लें और जैसे ही दूसरा आइटम जो आउट ऑफ स्टॉक थे उनको खरीद कर और फिर आप में आपके ऑर्डर में क्लब कर दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ये क्या करेंगे कि पहले चेक मारेंगे कि अच्छा ये आउट ऑफ स्टॉक है तो छोड़ देंगे, वो तुम्हारा पूरा ऑर्डर ही छोड़ देंगे। जब तक ये 5 आइटम एक साथ वो इन स्टॉक नहीं दिखाएगा, जब तक ये आपके ऑर्डर को प्रोसेस नहीं करेंगे, उसका वे आउट ये है कि आप 1 हफ्ते वेट करो। अगर वो तब भी शिप नहीं होता है तो आप कस्टमर केयर पे चैटिंग करते हैं तो चैटिंग करो और उनसे कहो कि भाई जो अवेलेबल आइटम है वो शिप कर दे, नहीं तो मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दे। तो वो क्या करते हैं, वो ऑर्डर को डिवाइड कर कुछ आइटम आपके शिप कर देंगे, कुछ आइटम आपके उसमें रखेंगे। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। बाकी अगर आपको जल्दी से शिप करवाना है तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब आप ऑर्डर करते हो उसमें एक लाइन लिखी रहती है अवेलेबल टू शिप विद इन 24 आवर्स, हमेशा उसी आइटम को आप कार्ट में ऐड करना। कभी भी इसमें मत करना कि अवेलेबल टू शिप सो एंड सो डेट, जैसे 11th Jan हो गया या 10 दिन की बात या 2 दिन की बात की भी मैं कहूँगा कि मत करना, क्योंकि वो एक एस्टिमेटेड डेट है, वो बढ़ती रहती है। मेरे काफ़ी ऑर्डर फंसे हुए हैं जो ऐसे हैं पर वो वर्ल्ड में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, तो मैंने काफ़ी वेट किया 2 महीने तब भी नहीं हुआ, जब जाकर मैंने रिफंड के लिए उनसे प्रोसेस करवाया, वरना मैं वेट ही करता रह गया, पर आज तक वो इन स्टॉक नहीं आया। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि 24 आवर्स का आपको हमेशा ध्यान रखना है, और कभी भी ये क्लब मत करना कि 24 आवर्स इसमें और उसमें एक दिन बाद के हो जाएगा। बहुत रेयर केसेस है, मैं बता रहा हूँ, मैंने 30 ऑर्डर अगर करे होंगे तो उसमें से शायद 2 ऑर्डर ऐसे होंगे कि एक्चुअली वेट कर वो प्रोसेस हो गए, वरना तो मोस्टली वो ऐसे ही पड़े रह गए। फिर मेरे को स्प्लिट करना पड़ा, 3-4 बार स्प्लिट कर वो ऑर्डर आए हैं, और कुछ तो कैंसिल ही करने पड़ेंगे आउट ऑफ स्टॉक की वजह से। ठीक है, अब एक और चीज़ कि कई बार ऐसा होगा आपको एप्लीकेशन में कि जब आप आइटम स्क्रॉल कर रहोगे तो आउट ऑफ स्टॉक ही दिखाता रहेगा, या ऐसा दिखाने लग जाएगा कि ये आइटम अवेलेबल नहीं है इंडिया में शिप करने के लिए। मेरे साथ हुआ है ऐसा, ऑलमोस्ट एवरी आइटम वाज लाइक लिस्टेड लाइक दिस कि वो इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। मैंने कस्टमर केयर में बात की, भाई ऐसा क्या हो गया, क्योंकि मेरे पास यूजर्स के कमेंट आ रहे थे, उनको दिखा रहा था शिप करने के लिए, बस मेरे को नहीं दिखा रहा था। तो कई बार ऐसा करते हैं जब कंजेशन होता है नेटवर्क में, तो ये एक एरर जेनरिक मैसेज है जो ये प्रोवाइड करने लग जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि 2-3 दिन का वेट करो और फिर देखो, फिर वो वेट करो फिर देखो, तो ये अपने आप अवेलेबल हो जाएंगे। तो मेरे केस में वो 1 हफ्ता मैंने वेट कर जब मैंने देखा तो ये अवेलेबल हो गई चीज़ें, तो ये हो गया। और एक और चीज़ जो आउट ऑफ स्टॉक की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें एक ऑप्शन होता है अराइवल नोटिस कि आप भाई क्लिक कर दो, जब भी आएगा वो आपको अराइवल का नोटिस भेज देंगे, तो आप अवेल, तो ये काम नहीं करता है बिल्कुल भी। आपको क्या करना है, अगर आप सही में डेस्परेट हो किसी आइटम के लिए, जैसे मैं था कुछ आइटम्स के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, रोज़ देखता हूँ, तो कहीं ना कहीं कई बार एक आइटम भी इन स्टॉक आ जाता है इनका किसी भी वजह से, या प्रोसेस कैंसिल हो गया, कुछ हो गया, तो उसी टाइम आप ऑर्डर कर दो। अगेन आपको ये नहीं देखना है कि शिपिंग लेस है या ज़्यादा है। ठीक है, अब ये तो हो गई आपकी ऑर्डर करने की, अब जो शिपिंग है उसको आप कम कैसे कर सकते हो। अब जैसे 280 रुपये का मेरे ख्याल शिपिंग लगती है, इंश्योरेंस हमेशा लेना, ये थोड़ी सी हेल्प करता है आपको रिफंड प्रोवाइड करने में, क्योंकि कस्टमर केयर वाले फिर इतना ज़्यादा ड्रामे नहीं करते। तो होता क्या है कि जब आप ऑर्डर कर रहे हो, है ना, तो ऑर्डर कर रहे हो तो उसमें आपकी शिपिंग आएगी,
तो कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कूपन अवेलेबल रहते हैं, अगर आप बिल्कुल मतलब टाइम पास है आपके पास, मतलब टाइम है पास करने के लिए, तो आप नेट पे सर्च कर सकते हो दुनिया भर की वीडियो है बैंगगुड के कूपन के लिए, तो कम से कम 100-150 रुपये का कूपन आपको आराम से मिल जाएगा। एक तो ये, दूसरा इसमें पॉइंट सिस्टम भी होता है, हर एक ऑर्डर पर आपको पॉइंट मिलते हैं, और जब आप पहली बार लॉग इन करोगे तो आपको एक कूपन भी मिलेगा $3 का, तो ऑलमोस्ट वो 220 रुपये कुछ बनता है, तो पहले की शिपिंग आपकी फ्री हो सकती है। बाकी इसमें एक ऑप्शन और आता है, वो मैं अभी आपको मोबाइल का भी दिखाऊंगा, जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे उसको भी देख लेना। उसमें ऑप्शन आता है कि चेक इन का, अगर आप डेली चेक इन करो उसमें, मतलब आप एप्लीकेशन खोलो और पर्टिकुलर एक ऑप्शन है चेक इन का, उस पर अगर आप रोज लॉग इन कर करोगे तो आपको कुछ पॉइंट मिलते हैं, तो वो पॉइंट भी आपके क्लब होकर, जैसे अगर आपके 150 या 200 पॉइंट्स हो जाते हैं तो उस पॉइंट्स को भी आप रिडीम कर सकते हो। तो जैसे 200 का मेरे ख्याल इक्विवेलेंट 75 रुपये ऐसा कुछ होता है, तो उस तरह से आप इसको अवेल कर सकते हो और आपकी शिपिंग उसमें कम हो सकती है, आपको कुछ कूपन ऊपन ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप उसके थ्रू भी कर सकते हो। हर एक परचेज पे आपको कुछ पॉइंट मिलते हैं, आप जब कोई वीडियो अपलोड करते हो उस पर पॉइंट मिलते हैं, आप कुछ रिव्यू डालते हो उसके भी पॉइंट मिलते हैं, तो ये एक पॉइंट सिस्टम है। उसमें एक और ऑप्शन है जिसमें आप एक चैलेंज ले सकते हो कि वीकली मैं इस पर चेक इन करूँगा, मेरे 40 पॉइंट लगा दो उसमें। तो उसमें क्या होता है, अगर आप वीकली आपने उसमें लॉगिन करा तो आपको 40 तो पॉइंट मिलने ही मिलने हैं, बल्कि 40 भी नहीं मिलते, ज़्यादा ही मिलते हैं, क्योंकि 5 पॉइंट डेली बेसिस पे मिलते हैं, तो जब वो 40 आप हो गए तो वो डबल हो जाते हैं पॉइंट, तो 40 की जगह आपको 80 पॉइंट मिल जाते हैं, तो वो काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। जैसे आप वेट कर रहे हो यार कुछ टाइम बाद मेरे को खरीदना, तो रोज़ चेक इन करो, देखो, स्क्रॉल करो और पॉइंट गेन कर सकते हो आप। मैं एक्चुअली करता था, थोड़ा आपको स्टूपिड लगेगा कि यार क्या फ़र्क पड़ता है, पर मज़ा भी आता है, और कुछ ना कुछ अगर एप्लीकेशन कर रहे हो तो क्लिक करने में कोई बुराई नहीं है। और उसमें एक बेनिफिट ये रहता है कि जब आप इस तरह के चैलेंज लेते हो या आप रोज़ रोज़ चेक इन कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से हर एक 10 डेज में या 8 डेज में आपको एक कूपन का ऑप्शन आता है एज ए गिफ्ट, जो $3 का कूपन होता है उसको आप अवेल कर सकते हो। पर उसमें एक कैच ये है कि वो 1500 प्लस ऑर्डर पे ही मिलेगा आपको अवेल करने के लिए, जैसे आपने 1000 रुपये का ऑर्डर है तो उस पर वो कूपन नहीं चलता है। तो शिपिंग काफ़ी फ्री हो जाती है जब आप 1500 से ऊपर आप ऑर्डर करो और आपके पास टाइम है 10 से 12 दिन का। ठीक है, अब ये हो गई कूपन से रिलेटेड चीज़ें। बाकी और क्या मैंने डिस्कस किया था कि शिपिंग कितने दिनों में आ रही है। जब मैंने सितंबर अक्टूबर में शुरू करा था शॉपिंग करना, जब बहुत फास्ट थी, ऑलमोस्ट 10-15 डेज में मेरा आइटम आया था, पर अब काफ़ी स्लो हो गया है, मेरे काफ़ी आइटम फंसे हुए हैं जो आ ही नहीं रहे हैं, उसका शायद मेरे को रिफंड ही लेना पड़ेगा। बाकी 21 से 30 दिन का मैं कहूँगा, अगर आप एवरेज निकालो सब ऑर्डर की, तो 21 से 30 दिन लग रहे हैं ऑर्डर आने में। तो कुछ लोगों ने जैसे जैकेट कर दिए थे विंटर सीजन के लिए या कुछ है, तो वो ये चीज़ ध्यान में रखना कि काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि वो विंटर के बाद भी आए, क्योंकि इनका जो एक वो रहता है एस्टिमेटेड टाइम, वो ये ऐसा है कि जैसे जब आपका आइटम शिप होता है, मतलब होता क्या है कि जैसे आपने ऑर्डर किया, अब आप सोचोगे कि ऑर्डर से आपके कुछ डेज कैलकुलेट होने लग जाएंगे, वो नहीं होते हैं। इनका क्या रहता है कि जैसे आपने ऑर्डर किया और मान लो आइटम शिप हुआ 15 दिन बाद, तो ये क्या करते हैं, जब आइटम शिप हुआ उसके बाद के वर्किंग डेज काउंट करते हैं। जैसे मेरे एक आइटम है, मैंने सेंसर मंगवाया था अलेक्सा के लिए, तो उसमें क्या हुआ कि वो आइटम कस्टम में फंस गया, पता नहीं कहाँ फंस गया, उनके वेयर हाउस में फंस गए हैं और उनके पास कोई डिटेल नहीं आ रही है, तो मैंने कहा मेरा रिफंड दो भाई ताकि मैं दोबारा ऑर्डर कर सकूं। तो वो कह रहे हैं कि क्योंकि ये शिप हुआ है 11 नवंबर को, एक्चुअली ऑर्डर किया था मैंने अक्टूबर में, 11 नवंबर को वो शिप हुआ ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी, तो वो शिप हुआ तो उसके बाद के वो कहते हैं कि 43 वर्किंग डेज आप काउंट करो, और उसके बाद अगर ना आए तो आप फिर कॉन्टैक्ट करना। तो मतलब 43 वर्किंग डेज मतलब मंडे टू फ्राइडे ही आपको कैलकुलेट करना है, तो 5, 10, 15, 20 दिन ही होते हैं एक महीने में, तो वो 20 दिन अगले 20 दिन, तो ऑलमोस्ट ये 2.5 महीने का इन्होंने जुगाड़ बना रखा है। तो उस हिसाब से आपको ये करना पड़ेगा। तो एक तो ये चीज़ हो गई, और बाकी जैसे जो हाँ, तो यही है कि 43 वर्किंग डेज का आपको ध्यान रखना है जब भी आप कुछ भी ऑर्डर कर रहे हो। और बाकी तो बाकी सही है, रिफंड मिल जाता है और पार्शियल रिफंड भी मिलता है। हाँ, एक रिफंड की बात मैं बताता हूँ कि अगर जैसे मान लो आपका आइटम वर्क नहीं कर रहा है, या जैसे एक मेरे साथ केस हुआ था कि मैंने किचन का कुछ मंगवाया था जो फॉइल एल्युमिनियम टाइप बेस था, और वो काफ़ी मुड़ा उड़ा हुआ आया, तो मैंने उसका रिफंड के लिए कहा था, तो ये आपसे बार्गेनिंग भी करेंगे पूरी कि भाई ये बार्गेनिंग कैसे करेंगे कि आप पॉइंट ले लो, आप रिफंड मतलब जैसे 700 रुपये का आइटम था तो ये कह रहे थे कि 500 रुपये ले लो या आप 600 पॉइंट ले लो। तो हमेशा जब भी रिफंड की बात हो तो कभी भी आपको पॉइंट में मत कहना है, उनसे साफ साफ बोलो, बहुत रूडली बात करो, ये कहो कि भाई मेरे को
पॉइंट नहीं, मेरे को रिफंड ही चाहिए, मेरे को पैसों में चाहिए, आपने इतना घटिया आइटम भेजा है, इस तरह से जो भी करना है आप मेरे से डिस्कस करना है क्या क्या बोलना है। और आप उनसे कहो कि मेरे को सीनियर से बात करवा, तुम्हें मतलब हैंडल नहीं करना आ रहा है कस्टमर को, ये कोई तरीका नहीं। तो आप इस तरह से बात करोगे तो वो रिफंड देने पर मजबूर होंगे। पर हाँ, अगर आइटम वर्किंग है पर क्वालिटी प्रॉब्लम है तो उसमें पार्शल रिफंड मिलता है। जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि पूरा रिफंड नहीं मिलता है, तो ऐसा हुआ है मेरे साथ और मेरे को पूरा रिफंड नहीं मिला है। तो मेरा 700 रुपये का आइटम था, मेरे को ऑलमोस्ट 550-600 रुपये मिले हैं। और बार्गेनिंग कैसे चली थी, मेरे को 500 पॉइंट से बार्गेनिंग चली थी, फिर 600 पॉइंट पे आए, फिर 200 रुपये दिए, फिर 400 रुपये पर बात हुई। तो जब मैं बहुत ज़्यादा रूडली बात करी तो जब आकर मेरे को 550 रुपये में कुछ वो सेटलमेंट हुई। तो पूरी बार्गेनिंग है, आपको बस खोने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आपको ब्लॉक कर देंगे, कुछ कर देंगे। आप बिंदास उनसे बात करो, बोलो मेरे को दूसरे से बात करनी है। अगर एक कस्टमर केयर वाला ढंग से बात नहीं कर रहा है, डिस्कनेक्ट करो चैट, अगले दिन फिर दोबारा करो, कोई और कनेक्ट होगा तो उससे बात करो, तो कोई ना कोई आपको रिफंड जरूर प्रोवाइड करवा देगा। बस ये है कि आपको फोटो भेजनी पड़ती है और शायद वीडियो भी बनाने के लिए कहें, यूट्यूब पे डालकर लिंक शेयर करने के लिए कहते। तो एक ये केस है रिफंड का, रिफंड होता है, वहाँ पे सुनवाई है, बिल्कुल है। और मैंने मेरे ख्याल 2-3 आइटम मेरे ऐसे हुए हैं जो बिल्कुल डेड हो गए थे, तो मेरे को रिफंड मिला है, कुछ का पूरा मिला है और कुछ का पार्सल मिला जो यूजेबल थे। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी अब नेक्स्ट सेक्शन में मैं दिखाऊंगा कि जब आप स्क्रॉल करते हो एप्लीकेशन में तो उसमें आपको कहाँ देखना है, चेक इन कहाँ होते हैं। वैसे तो आपको दुनिया भर की वीडियो मिल जाएगी, पर मैं थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड करना चाह रहा था और शायद दिसंबर में रिसेंट वीडियो मेरी आए शायद, तो उस वजह से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगी अभी करंट एप्लीकेशन में ऑप्शंस कहाँ हैं। तो वो सब चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और बाकी कुछ और कमेंट हो तो या कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं तो वीडियो बनाते ही रहता हूँ। तो ठीक है गाइज, फिर नेक्स्ट सेक्शन में मिलते। सो गाइज, ये बैंगूट की एप्लीकेशन है, तो मोस्टली के पास सेम ही आएगी और ये bangoot.in से कनेक्टेड है। तो इसमें आप देख सकते हैं, जैसे ये अगर आप माई अकाउंट पे, ये जो है ऑप्शन माई अकाउंट, इसमें ये ऑप्शंस आते हैं आपके। और इसमें आपको ये दिखेगा यहाँ पे एक तो चेक इन का ऑप्शन, ठीक है, ये आपके वॉलेट, ये पॉइंट्स हैं जो मैं बात कर रहा था कि जब आप ऑर्डर करते हो तो उसमें आपके रिडीम हो जाते हैं। तो जब आप ये चेक इन करते हो, अब इसमें देखो, इसमें ये रोज डेली चेक इन का है। अब जैसे आप ये देखो कि 5 पॉइंट रोज मिल रहे हैं मेरे को, तो मैंने 19 दिसंबर को चेक इन करा था यहाँ पे, फिर 12 को करा, फिर मेरे को $3 का पॉइंट मिला यहाँ पे। तो ये इस तरह से आपको यहाँ पे कूपन मिल जाते हैं अगर आप डेली चेक इन करो। अभी आप ये देखना कि अब जैसे 5 है और उसके बाद 20 है, जिससे डबल हो जाएगा मेरा ये आइटम। तो इस तरह से अब ये डबल कब हो जाता है, जब ये मैंने चैलेंज लिया है, जैसे पॉइंट चैलेंज है ना। तो इस चैलेंज में आप देखो कि अगर आप 40 पॉइंट्स लगाओगे तो आपको 80 पॉइंट मिल जाएंगे अगर आपने रोज़ चेक इन कर लिया। अब मैं फोर्थ डे है मेरा, आज मैं चेक इन कर चुका हूँ, अब सेवन्थ डे में मेरे को ये 80 पॉइंट मिलेंगे। और मेरे ख्याल से हर एक 7 डेज में या 10 डेज में एक कूपन $3 का मिल जाता है जो आप शॉपिंग में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे ये कुछ पॉइंट्स कमाने के तरीके हैं आपके, कि आप VIP क्लब को एक बार देख लो या रिव्यू कर लो ऑर्डर, जैसे मैं कह रहा था, और ये कुछ आइटम ऐड करो या ऑर्डर करो, ठीक है। और ये देखिए 610 वर्थ करते हैं ₹469। और ये मत सोचना कि ये 610 रुपये आप बिल्कुल, या जैसे 469 रुपीज़ आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो यूँ के यूँ। इसमें भी कुछ इनका क्राइटेरिया है कि जैसे कुछ आइटम जो सेल्स पे लगे होते हैं उस पे ये अवेलेबल नहीं रहते हैं, या कुछ आइटम ऐसे हैं कि जो बहुत सस्ते हैं, जैसे 200 रुपये का ही आइटम है या 300 रुपये का आइटम है, तो उसमें भी बहुत कम, मतलब एक रेशो है, जैसे आप 50 पॉइंट ही 70 पॉइंट ही यूज़ कर सकते हो उसमें, तो उसमें 50-60 रुपये का ही आपको बेनिफिट मिलता है। तो ये थोड़ी सी कंडीशन रहेगी, पर एक ये ऑप्शन है, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, जो भी आप चूज़ कर रहे हो लेने के लिए। बाकी एक जो चीज़ मैं कह रहा था, जैसे अब मैंने कार्ट में डाले हुए हैं आइटम, अब जैसे इसमें मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड था आजकल, अब जैसे लिमिटेड डिस्काउंट है, इसमें पॉइंट शायद नहीं चलेंगे, ठीक है। पर जो चीज़ मैं जो आपको दिखाना चाह रहा था वो ये है कि इसमें क्या है कि ये जो शिपिंग है, ये वाला जो सेक्शन है शिपिंग का, उसमें ये 24 आवर्स दिखा रहा है, इन स्टॉक शिप्स इन 24 आवर्स। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ऐसे आइटम मत उठा लेना जहाँ पर ये अवेलेबल ना हो। और ये आपकी एप्लीकेशन है जिसमें आप पॉजिटिव देख सकते हो कि भाई आइटम कितना अच्छा है, जो मैं कमेंट्स की बात कर रहा था कि पहले चाइनीज़ वर्जन वो यूज़फुल है यानी वर्ल्ड लेवल पर, तो ये सब चीज़ें हैं उसमें। और आपको क्वालिटी का भी पता चल जाएगा, जैसे ये 164 सोल्ड ऑलरेडी दिखा रहा है। अब ऐसे ही अगर अब मैं कुछ और आइटम लूँ,
जो शायद अवेलेबल ना हो। अब जैसे ये दिखा रहा है ओनली वन इज़ लेफ्ट, तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि कई बार होता है कि ये अपडेट नहीं हो पाता है क्योंकि प्रोडक्ट प्रोसेस नहीं हुआ है, पर ये स्टिल यहाँ दिखा रहा है, तो इस वजह से भी कई बार आपके आइटम अटक जाएंगे। बाकी ये आइटम ले लेते हैं एक, जैसे ये सब में 24 आवर्स वाले मैंने कार्ट में ऐड कर रखे हैं, तो इसी तरह के आप उठाना जो 24 आवर्स वाले ही हों। तो ये होता क्या है कि विद इन 24 आवर्स ये आपका आइटम शिप हो जाता है, जिसके 90% चांस होता है कि डिलीवर होना ही होना है, कुछ आइटम होंगे जो नहीं होंगे। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। अब बाकी एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ कि जब आपको कस्टमर केयर से बात करनी होता है तो वो कैसे करते हैं। मैं ऑर्डर के अंदर तो नहीं जाऊँगा क्योंकि वहाँ पे मेरा एड्रेस डिस्प्ले होगा। आप ये तरीका कर सकते हो, जब आप हेल्थ सेंटर में जाओगे, और हेल्थ सेंटर कहाँ से आता है, ये अकाउंट पे जब आप क्लिक करते हो, ये जो है ऑप्शन नीचे राइट बॉटम में, इसमें आप हेल्थ सेंटर में जाओ। हेल्थ सेंटर में जाकर आपके पास ऑप्शन आता है कॉन्टैक्ट अस। जब आप कॉन्टैक्ट अस में जाओगे, यहाँ पे लाइव चैट का ऑप्शन आ रहा है जो फर्स्ट वाला है, इसको आप क्लिक कर दो। उसके बाद ये जो भी आपका प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, अगर आपको कैंसिल करना है कोई ऑर्डर या शिपिंग से रिलेटेड है तो उस पर जाकर आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो। उसमें कुछ कुछ ऑप्शन देगा। अब जैसे ये ऑप्शन दे दिया इन ट्रांजिट रिटर्न लॉस्ट पैकेज, ये सब है। अब इसमें ये देखिए एक ऑप्शन आ रहा है ट्रांसफ़र टू ऑपरेटर, तो ये जो ऑप्शन है ये आपको अवेल करना है अगर आपको कस्टमर एग्जीक्यूटिव से बात करनी है, तो ये ऑप्शन रहेगा। तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये इस तरह का दे देगा, और देखो ये क्या कह रहा है, यू कुड क्लिक हेयर टू एंटर ह्यूमन सर्विस। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। कई बार होता है कि आप बैठे रहोगे, आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, पर ये क्लिक जब आप यहाँ पे करोगे, जब जाकर ये कस्टमर जब जाकर ये किसी से बात करवाता है। ये देखो कितनी जल्दी आ गया, ब्रुकलिन करके बंदा है ये, तो ये इस तरह से आ जाता है। आप कैंसिल कर सकते हो, और जो भी बात आपको करनी है, जो मैं बात कर रहा था कि पार्शल रिफंड या रिफंड से रिलेटेड, वो मैंने इसी मीडियम के थ्रू आपने करा है। बस आप एक ध्यान रखना कि जब भी आप ये ऑप्शन चूज़ करते हो, आपको ऑर्डर आईडी चाहिए होगा, तो आपको ऑर्डर आईडी फिर लेकर आना पड़ेगा और यहाँ पे पेश करना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास ऑप्शन नहीं होता है कि ये कुछ आपको ऑर्डर आईडी प्रोवाइड कर सके। अब मैं एक चैट कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को बात नहीं करनी है अभी इनसे, बाकी ऐसे चैट बंद हो जाएगी आपकी। तो ये कुछ ऑप्शंस है जो आप अवेल कर सकते हो। बाकी और तो मेरे ख्याल कुछ है नहीं इस वीडियो के लिए। सो गाइज, आपने देखा, मैंने एप्लीकेशन में दिखाया आपको कि आप किस तरह से क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। एक बार समराइज कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, अगर समरी में अगर आपको इंटरेस्टेड है, आप इंटरेस्ट रखते हो, तो क्या है कि एक तो आपको पैन नंबर चाहिए, एक UPI चाहिए, UPI बेस्ट है इधर ऑर्डर करने के लिए। शॉपिंग करने से पहले आपको क्या करना है कि 24 आवर्स अवेलेबल टू शिप करके ऑप्शन आता है, वो देखना है। शिपिंग से रिलेटेड आपको क्लब नहीं करने हैं आइटम, अगर आपको जल्दी चाहिए विद इन 24 आवर अगर चाहिए तो आप आइटम क्लब मत करो, सिंगल आइटम ही ऑर्डर करो, वो ज़्यादा फास्ट रहेगा क्योंकि एक दूसरे पर डिपेंडेंसी बन जाती है। बाकी फिफ्थ पॉइंट ये है कि आप शिपिंग कैसे अवॉइड कर सकते हो, आपको कूपन अवेलेबल रहते हैं, आप चेक इन कर सकते हो, और 1500 प्लस पे ही कूपन एप्लीकेबल होता है, तो 1000 से कम पे नहीं होगा। तो आइटम का MRP उससे ऊपर होना चाहिए। एक मेरे साथ केस हुआ था जिसमें 1300 रुपये का एक आइटम था, एक 1700 रुपये का था तो जब मैंने ऑर्डर करने की कोशिश करी तो 1700 रुपये का आइटम मेरे को ज़्यादा सस्ता पड़ा एज़ कम्पेयर टू 3900, क्योंकि उसमें कुछ शिपिंग के कॉन्स्टेंट से पता नहीं क्या क्या था, तो मैंने 1700 रुपये वाला ही ऑर्डर कर दिया, वो मेरे को 1800 का पड़ा और 1300 रुपये का मेरे को 1900 रुपये का पड़ रहा था। तो इस तरह की भी स्टूपिड सी चीज़ें होंगी, तो एक्सप्लोर कर लेना। सिक्स थिंग, बहुत सारे आइटम इंडियन साइट्स पे अवेलेबल हैं, स्पेशली अमेजोन पे, उल्टसुट जैसे रिचार्जेबल लाइट्स और प्लास्टिक रिलेटेड आइटम्स और इवन मोबाइल एसेसरीज। तो हमेशा जब भी अगर वहाँ से शॉर्टलिस्ट करते हो तो एक बार यहाँ पे भी सर्च मार लेना, मोस्टली आपको मिल जाएंगे। मेटल रिलेटेड कुछ सामान मत खरीदना, कंप्यूटर रिलेटेड सामान अवॉइड करो, और क्लोथिंग से रिलेटेड लाइक जिसमें फिटिंग की आपको ज़्यादा नीड है वो अवॉइड करो तो सही है, और बाकी मेमोरी कार्ड भी अवॉइड करना तो ठीक रहेगा, और बाकी आप ज़्यादा ही चुल है तो खरीदो, क्या फ़र्क पड़ता है। बाकी मोबाइल एसेसरीज तो मैं लेते रहता हूँ, एलेक्सा रिलेटेड डिवाइसेस काफ़ी हैं वहाँ पर, तो स्विचेस काफ़ी सही है, अगर उसके बारे में मेरे से पहले डिस्कस कर लेना मंगवाने से पहले, वो तो मैंने मंगवाए हैं काफ़ी। बाकी यही है कि दिसंबर में भी शिपिंग चल रही है, 21 to 30 डेज़ का एस्टिमेटेड टाइम आ रहा है। कुछ आइटम मेरे डिलीवर हुए हैं जल्दी, जैसे जो पेपर बेस्ड थे जिसमें कुछ कोई शक नहीं होता किसी भी चीज़ से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में थोड़ा सा टाइम लग रहा है,
और बाकी तो कुछ है नहीं मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से मैंने अपनी सारी नॉलेज शेयर कर दी आप लोगों से। कुछ मिस कर दिया हो तो कमेंट में पूछ लेना। बाकी मैं फेसबुक पे भी अवेलेबल रहता हूँ। एस्टिमेटेड टाइम है कि 24 आवर्स में मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा और शायद लाइव चैटिंग भी मैं कर पाऊँ। बस आप मैसेज छोड़ देना। आपको लिंक नीचे माइजिंग ऑनलाइन करके आपको फेसबुक पे आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ माइजिंग ऑनलाइन अंडरस्कोर रील्स, पर इतना एक्टिव नहीं हूँ फिलहाल, फेसबुक ही है चैटिंग करने के लिए। तो आप उस पर अवेलेबल रह सकते हो, आप कमेंट छोड़ सकते हो। आई विल कॉन्टैक्ट यू थ्रू यूट्यूब ओनली। और मैं नंबर शेयर नहीं करता हूँ, तो प्लीज़ स्टॉप आस्किंग दैट कि नंबर शेयर कर दो और इस तरह की चीज़ें कि मेरा ऑर्डर कर दो, आप तो मंगवाते रहते हो। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ फुल टाइम, मैं जॉब करता हूँ। मेरा बस थोड़ा सा इंटरेस्ट है चीज़ें खरीदने का, और ज़्यादा महंगा सामान भी नहीं खरीदता, मोस्टली हज़ार के खरीदता हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि शायद शेयर करना ज़्यादा बेटर है। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत पैसा है और मैं लुटाता रहता हूँ। और कभी भी जब भी आप ऑर्डर करो, प्लीज़ अपने चीज़ें शेयर मत करो। ये मत कहो कि मेरा ऑर्डर मंगवा दो, या मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आई हैं कि आप मेरा ऑर्डर मंगवा दो प्लीज़ प्लीज़ करके। मैंने उनको बहुत हम्बली मना किया कि प्लीज़ मत करो, और कंप्यूटर रिलेटेड सामान बिल्कुल मत मंगवाओ अगर आपको पैसों की थोड़ी सी भी चिंता है अपने। बाकी बिल्कुल डू एंड डाई वाली सिचुएशन है कि नहीं मैं मर जाऊँगा उसके बिना, तो फिर आप उसके लिए ट्राई मार सकते हो। बाकी आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और कुछ और वीडियो आपको समझ में आया कि मैं बनाऊँ या मेरे को नॉलेज आया, आपको लगता है कि मेरे को बनानी चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हो। और होपफुली मैं इसको कर दूँगा पब्लिश एज सून एज पॉसिबल। सो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। बाय।